एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कोविड पॉजिटिव बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया है। गंभीर अवस्था में महिला को यहां लाया गया था। डॉक्टरों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महिला का ऑपरेशन किया, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। यहां 78 वर्षीय कोविड पॉजिटिव बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया गया है। एसआर हॉस्पिटल आने के पूर्व जांघ की हड्डी टूटने से पीड़ित महिला अन्य अस्पतालों में भी गई थी, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के कारण अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला यहां पहुंची। महिला की परेशानियों को समझते हुए एसआर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए महिला का सफल ऑपरेशन किया। अब महिला पूर्णतया स्वस्थ है। बाथरूम में नहाने के दौरान गिर जाने से बुजुर्ग महिला को फ्रैक्चर हो गया था। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा एवं निश्चेतना विभाग प्रमुख डॉक्टर पवन देशमुख ने मरीज की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, एसआर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हैसियत से एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा हॉस्पिटल 180 बेड हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग सारे सुपर स्पेशलिटीज एवं स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स 24 घंटा मौजूद हैं और किसी भी मरीज को किसी प्रकार की जो ज़रूरत है उसके लिए सदा हम लोग तत्पर हैं। अन्य मरीजों के साथ साथ अभी कोविड का प्रकोप चल रहा है। कोविड के नाम पे हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 100 बिस्तर हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें से कई बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं और वेंटिलेटर की सुविधाएं भी वहां उपलब्ध हैं। हम कोविड के कार्यकाल में भी जनरल मरीजों के इलाज में कोई भी ढिलाई नहीं देते हैं। चाहे वो आए हमारे पास, उनका भी इलाज हो रहा है। चाहे वो गायनिक के पेशेंट हो, चाहे हड्डी के पेशेंट हो, चाहे पीडियाट्रिक पेशेंट हो, उनका भी साथ साथ इलाज चल रहा है। इसलिए किसी भी मरीज को जो किसी प्रकार की बीमारी से क्षतिग्रस्त है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड नॉन कोविड अलग विभाग है हमारे अस्पताल में, और यहाँ हम लोग सभी का इलाज सही तरीके से कर रहे हैं। कई मरीज अभी भर्ती हुए हैं जिनको कोविड से संक्रमित हैं, और साथ साथ उन्हें कुछ इमरजेंसी तकलीफें भी हुई, जैसे हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, एक क्राइसिस सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं जो रक्त खून की बीमारी है, एवं अन्य टाइप की बीमारियों से भी क्षतिग्रस्त होके एवं कोविड से भी संक्रमित होके हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ऐसे मरीजों का हम तुरंत इलाज किए हैं और सही तरीके से उनको घर भी भेजा गया है। कोविड के नाम पे इलाज में कोई देर नहीं की गई है कि कोविड से नेगेटिव हो उसके बाद हम इलाज करें। मरीज का जान दोनों तरफ से खतरे में था। हड्डी का भी टूटना उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि कोविड से संक्रमित होना। तो इस टाइप से हम लोग 3-4 पेशेंट्स हमारे सही तरीके से ऑपरेट होके घर गए हैं और हमारे रेगुलर फॉलोअप में हैं। तो पूरे प्रदेश को यह हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोविड के नाम पे कोई जनरल पेशेंट को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आए हमारे इलाज का लाभ उठाएं, एवं कोविड से भी अगर कोई संक्रमित है उनके लिए अलग पृथक व्यवस्था की गई है। उनके लिए बिस्तर रिजर्व किए गए हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं एवं ऑक्सीजन की पूरी सुविधाएं हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस चीज़ को सुनते हुए जो भी मरीज को हमारे अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है अवश्य आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। सीजीआई चंद्राकर 78 साल की उम्र की एक महिला है, जो 19 तारीख को घर पर गिरने के कारण उनके जांघ की हड्डी टूट गई थी। मरीज किसी अस्पताल में नहीं, और उनका आरटीपीसीआर जो था कोविड के लिए वो पॉजिटिव आ गया, तो उस अस्पताल ने मरीज को लेने से मना कर दिया। फिर मरीज और 2-4 अस्पताल में गए, क्योंकि उनकी जनरल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनका ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट हो रहा था, कोविड पॉजिटिव वो तो थी ही, ब्लड प्रेशर की शिकायत था, और उम्र भी ज़्यादा 78 साल, तो इस कारण से शायद कोई अस्पताल उनको नहीं ले रहा था। मरीज हमारे पास में आई तो हमने उनको ऑपरेट किया। कोविड के टाइम में उनको रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हुए स्टेबलाइज करके उसको ऑपरेट किया, एंड शी इज़ डूइंग फाइन, वो अभी ठीक है। तो कोई भी ऐसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव है जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। आप हमारे यहाँ आइए एसआर हॉस्पिटल में, तो विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, निश्चेतना विभाग प्रमुख, एसआर हॉस्पिटल चिखली। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि एक शेजियाबाई चंद्राकर 78 वर्षीय महिला
हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिनकी जान की हड्डी टूट गई थी वो घर में गिरने के कारण। इसके इलाज के लिए वो कई अस्पताल में गई, वहाँ पर कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनको वहाँ पे इलाज नहीं किया गया। पर चूंकि एसआर अस्पताल पहले से ही प्रतिबद्ध है सभी प्रकार के कोविड नॉन कोविड मरीजों के इलाज के प्रति, तो जब हमारे यहाँ पे मरीज आई तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे। एक तो कोविड पॉजिटिव थी, उम्र उनकी ज़्यादा थी, बीपी की भी शिकायत थी, ऑक्सीजन का लेवल उनका कम ज़्यादा हो रहा था। पर इन सारे मुश्किलों के बावजूद हमारी टीम ने बेहतर काम किया है, उनका ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने उनकी अलग व्यवस्था की ऑपरेशन में, पीपीई किट, सैनिटेशन सब सारा मेंटेन करते हुए उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ है। और जो टीम उनकी सेवा में लगी हुई थी आज वो भी स्वस्थ है, मरीज की भी हालत अभी स्टेबल है और कुछ ही दिनों में उनको डिस्चार्ज होने वाला है। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि कहीं भी अगर यदि आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं और कहीं पे आपको इलाज पे कोई आनाकानी होती है तो आप बेधड़क हमारे अस्पताल में आ सकते हैं, यहाँ पे आपका स्वागत है, आपकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं, धन्यवाद। बहरहाल पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती महिला की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, वह अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रही है, शीघ्र उसे डिस्चार्ज करने की बातें डॉक्टरों ने कही हैं। एसआर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बुजुर्ग की पीड़ा को दूर कर निसंदेह सराहनीय कार्य किया है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।